कुछ हफ्तों से जिस तरीके की डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में हुई हैं, चाहे वो टारगेटेड किलिंग्स हों, सिलेक्टेड हिंदुओं की हत्याएं हों कश्मीर में, या जम्मू संभाग में आतंकी हमले हों, मंदिरों पे हमले हों, सुंजवा के मंदिरों में हमले और वहां पे चोरियां हों, टेररिस्ट अटैक्स हों, वो एक बहुत चिंताजनक विषय बना हुआ है। घर में घुस घुस के लोगों को मारा जा रहा है, और इस सब पृष्ठभूमि में यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार का जो तंत्र, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, और साथ में कुछ कुछ मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग भाजपा, जब ये पोजीशन ले रही हैं कि ये हत्याएं और ये जेनोसाइडल असॉल्ट्स अटैक्स कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए या डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को डीरेल करने के लिए हम देख रहे हैं कि पोजीशन ली जा रही है, ये कहते हुए तो एकजुट जम्मू ने अपना ये धर्म समझा कि इस विषय पे आके आपके माध्यम से पूरे देश और पूरी यूटी की जनता से मुखातिब हो पाएं और बता पाएं कि किस तरीके का षड्यंत्र जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के लोगों के खिलाफ और कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ यहाँ का सरकारी तंत्र और मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज ही रच रही हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, और हम पहले भी बहुत बार इस बात को एक्सप्लेन कर चुके कि पिछले 70 साल की नेहरूवियन पॉलिसी ऑन J&K, जिसे 2014 के बाद भी एडॉप्ट किया गया और फर्दर परपेचुएट किया गया, चलाया गया, वो पॉलिसी आज की डेट में पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गोल्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, उसे फैसिलिटेट करने का, उसे कंसोलिडेट करने का काम करती है। जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू संभाग में इस्लामीकरण का एक जेनोसाइडल प्रोसेस कई दशकों से चल रहा है। कश्मीर का इस्लामीकरण करने के बाद जम्मू संभाग के इस्लामीकरण करने के लिए, ताकि हिमालय का इस्लामीकरण हो सके और अल्टीमेटली सनातन का इस्लामीकरण हो सके, वो जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो पॉलिसी पैराडाइम है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा की भी है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉइंटर मैं दे रहा हूं कि विद एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लामाइजिंग सनातन इंडिक सिविलाइजेशन, वो निरंतरता से यहां पर चल रहा है। ये होने के बावजूद भी यहां पर भारत सरकार की अब भी वही नीति चल रही है, जिस नीति के कारण यहाँ पे इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे चाहिए, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, अहले हदीस का हो, वहाबीज का हो, तबलीकी जमात का हो, दियोबंदीज का हो, एकदम फ्लरिश कर रहा है। और इस सब बैकग्राउंड में, इन सब हैपनिंग्स में, भारत सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ये पोजीशन बहुत बड़ी है, खतरे की घंटी बजा रही है। राहुल भट्ट की किलिंग्स को ये कह के बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकियों का ही एक काम था और बाकी इसमें और कोई फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड नहीं है। राहुल भट्ट जैसे लोगों की हत्याओं को इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीर में जिहाद की जो जंग चल रही है उसे कवर अप करने के लिए। कहा जा रहा है कि रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन की जो पॉलिसी है, जो अधिक वेरियस प्रधानमंत्रियों के एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस के बाद इन्होंने शुरू की है, यही एक ऐसी पॉलिसी है जो कश्मीरी हिंदुओं को वहां पर पुनर्स्थापित करने में मदद करेगी। एकजुट जम्मू आज आपके मंच से यह सीधे तौर पर कहना चाहता है कि प्रधानमंत्रियों के पैकेजेस, जहां पे वो सेलेक्टिवली हिंदू समाज के लोगों को कश्मीर में ही नौकरियां दे रहे हैं और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब्स दे रहे हैं, ये पॉलिसी ऑफ रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन नहीं है, ये पॉलिसी ऑफ डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड है। क्योंकि इसके पीछे की मंशा ये है कि देश और दुनिया को बताया जा सके कि देखिए, हमने उठा के हिंदुओं को वहां पर रख दिया, वहां पर सेक्युलरिज्म रिस्टोर हो गई है, वहां पर हिंदुओं की के साथ रिस्टोरेटिव जस्टिस हो गया है, वहां हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, एक सेकुलर डिस्गाइज, एक सेकुलर कवर, एक सेकुलर ड्रेसिंग, एक जिहादी वॉरफेयर के ऊपर खड़ी करने का काम भारत सरकार कर रही है।
गिवन जो परिस्थिति है उसमें ये कहते हुए भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, अतिशोक्ति नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को सरकार ने ही इन जिहादी एक्टर्स के हाथ में स्ट्रेटेजिक होस्टेजिस की तरह रख दिया कि वो लेवरेज करते, जब चाहे जो चाहे चीजें करते हैं, एक मैसेज देते और इस्लामीकरण के प्रोसेस को इन होस्टेजिस को मार के, इनको इस्तेमाल करके जो भारत सरकार ने हैंडओवर किए हैं उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जो प्रोसेस देश के विरोध में भी है। कटरा इंसिडेंट को लेके आपने देखा कि किस तरीके से यहां की सरकार ने कवर अप किया, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस वर्ड को और फिर रिपीट कर रहा हूं, कवर अप किया। आज समाचार पत्रों में फ्रंट पेजेस पे छपा है, अ लाउड थंडर विद अ बॉल ऑफ फायर, एक धमाका होता है और जैसे बम फटना या आईडी के बाद जैसे एक गुब्बारा आपका आता है, उस तरीके की घटना। और आज तक यह सरकार बताने में सक्षम नहीं है कि एक्चुअल रीजन, सही कारण इस इंसिडेंट का, इस हादसे का क्या था। हर चीज को कवर अप करना, हिंदुओं की हत्याओं पे कवर अप्स करना, लैंड जिहाद के प्रोसेसेस पे कवर अप्स करना, टेररिस्ट इंसिडेंट्स पे कवर अप करना, यह सरकार की प्रवृत्ति बन गई है जो जम्मू संभाग के लोगों के लिए और जो गैर मुसलमान कश्मीर में रह रहा है और जो व्यक्ति देश की चिंता करता है उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि कांग्रेस ने उस इकोसिस्टम को स्पीयरहेड किया, लीड किया, जिसने देश से, दुनिया से यह छुपाया कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ 90 के दशक में क्या हुआ था। आज हम आपके माध्यम से सरकार से यह सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपकी सरकार भी कांग्रेस की तरह ही हिंदुओं के साथ जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है उसे छुपाने का काम कर रही है? क्या वही इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम कांग्रेस के समय में काम करता था, क्या वही इकोसिस्टम इज कॉलिंग द शॉट्स नाउ एज वेल? आप हमें जवाब दीजिए। यह बयान आ जाते हैं कि हिंदू मरा तो क्या हुआ, मुसलमान भी तो मरा। देखिए, जम्मू संभाग के लोगों से मैं मुखातिब हूं और देश के लोगों से मैं मुखातिब हूं, इस बात का जवाब दीजिए। हिंदू कश्मीर में, जम्मू में इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसका धर्म हिंदू है, और मुसलमान की हत्या इसीलिए होती है क्योंकि वो आतंकी संगठनों का या उनके इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, उनकी बात नहीं मानी, इंटरनेशनल कोई डिफरेंसेस हैं, आपसी कोई प्रॉब्लम है। मुसलमान जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन इन दोनों अनरिलेटेड चीजों को जोड़ के पेश करना, एनसीपीडीपी पीएजीडी के द्वारा भी, भाजपा के द्वारा भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, केंद्र सरकार उसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटीज के द्वारा भी, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा धोखा देश और सनातन सभ्यता के साथ और कुछ नहीं हो सकता। ये वही तरीके हैं जिन तरीकों को इस्तेमाल करके जो जिहादी तत्व हैं हमारे स्टेट अपरेटस को इस्तेमाल करते हैं हम पे ही जेनोसाइडल असॉल्ट अनलीश करने के लिए। स्टेट जम्मू कश्मीर में फैसिलिटेटर बन रही है ऐसे जिहादी तत्वों को अपना कार्य वो कर सके, ऐसा इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए। यह बहुत अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार आज तक हिंदुओं के साथ जो हुआ हो रहा है, जिसके तथ्य आपके सामने दिन प्रतिदिन अभी भी आ रहे हैं, उसे जेनोसाइड कहने से मना करती है। आज हम एकजुट जम्मू के प्लेटफॉर्म से सरकार से दो तीन डिमांड्स करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं और हमारा ये उद्देश्य भी है। कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन सेपरेट जम्मू स्टेट है। जम्मू को कश्मीर से अलग करना है और कश्मीरी हिंदुओं को अगर आपको विस्थापित करना है तो रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी जो एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस के जरिए उन्हें स्ट्रेटेजिक होस्टेजेस बना के उन्हें सौंपते हैं वो नहीं है। कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ना है, एक कश्मीर उनके लिए जिन्होंने नरसंहार किया और एक कश्मीर उनके लिए जो नरसंहार के विक्टिम्स हैं, यानी एक यूटी उन हिंदुओं के लिए जो 90 के दशक से आज तक राहुल भट्ट इंक्लूडेड नरसंहार के विक्टिम्स बन रहे हैं बिकॉज ऑफ डिनायल ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से इस प्रोसेस को डिनायल मोड में रखने के कारण।
भारत सरकार ये तय कर ले कि जम्मू कश्मीर में सत्ता, कंट्रोल, पावर आप अलगाववादियों के हाथ में दे के रखेंगे या राष्ट्रवादियों को मजबूत करेंगे। मुझे लगता है जिस तरीके की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बन रही हैं वो समय दूर नहीं है जब पूरा विध्वंस जम्मू संभाग के लोगों पे अनलीश किया जाएगा। भारत सरकार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक तो कटरा इंसिडेंट पे अपना स्पष्टीकरण दे और दूसरा कश्मीर में हिंदुओं की जो निरंतर हत्याएं हो रही हैं, कश्मीर में जो पीएम पैकेज के तहत लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। हम नहीं चाहते कि उन्हें चुन चुन के मारा जाए। आपको उन्हें इवैक्यूएट करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करिए, इवैक्यूएट करिए। आप एक फुल फ्लेज पॉलिसी स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करिए ताकि ठीक तरीके से वहां पे हमारा हिंदू समाज रह पाए। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। अकुर जी, आपने देखा कि इस तरह से जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे थे आतंकवाद के खिलाफ, उन पर लाठीचार्ज किया गया, काफी हंगामा हुआ, और बीजेपी की जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की या फिर एलजी सरकार की उनका भी काफी विरोध हुआ। एलजी द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि इसमें इंक्वायरी करवाई जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि इंक्वायरी का आदेश देना, क्योंकि इस तरह की इंक्वायरीज के लिए तो सरकार पिछले 2-3 सालों से शायद एक सीरीज ऑफ ट्वीट भी एलजी के सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको लगता है कि सरकार ईमानदारी से कश्मीरी पंडितों के लिए सोच रही है, आप किस तरह से इसे देखते हैं? सरकार कश्मीरी हिंदुओं के लिए, इनफैक्ट जम्मू के हिंदुओं के लिए भी इनसेंसिटिव है। ये लाठी चार्ज उसी इनसेंसिटिव एटीट्यूड का एक जीता जागता प्रमाण आपके सामने है कि किस तरीके से विक्टिम्स जो एग्रेसर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आगजनी नहीं कर रहे हैं, कोई बम नहीं फोड़ रहे हैं, कोई गोलियां नहीं चला रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, उन पर टीयर गैस शेल्स भेजे मारे जाते हैं। ये सरकारी तंत्र की इनसेंसिटिवनेस टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी, और मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ वर्ड टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी, जाहिर करती है। और दूसरा, जहां तक आपने इंक्वायरी की बात की, वो तो देखिए पल्ला छुड़ाने वाली बात है। इंक्वायरी तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जो 12 हिंदू यात्रियों का वहां पे एक प्लैंड मर्डर किया गया उसके ऊपर भी की गई थी। क्या निकल के आया सामने? जिस तरीके से एक मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड वहां पे एग्जीक्यूट किया गया, क्या निकल के आया उस इंक्वायरी में? और बाकी भी जितनी इंक्वायरीज आप ऑर्डर करते हैं, क्या निकल के आता है उनमें? तो इसलिए इंक्वायरी का ट्वीट करना, इंक्वायरी के लिए कहना, एक वाइट वॉश करने के अलावा और कुछ नहीं है, और एक टोटल इनसेंसिटिवनेस टुवर्ड्स द कम्युनिटी इस एडमिनिस्ट्रेशन की झलका था। कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू अभी इस समय में, आज की भी बात कर रहा हूं, लगातार 2-3 दिन से जब से ये राहुल भट्ट की हत्या की गई है कश्मीर में, उसके बाद से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अब उनकी कॉलोनी, जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो कॉलोनी बनाई गई है वहां पर उन्हें बंद कर दिया गया, पुलिस द्वारा उन्हें बाहर नहीं दिया जाना जा रहा, कई लोग मेरे कॉन्टेक्ट में है वहां पर। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या दिखाना चाहती है? नहीं, सरकार तो कवर अप करना चाहती है। सरकार तो ये दिखाना चाहती है कि वहां पे हिंदुओं की जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिरेल करने के लिए हो रही है, वो कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए हो रही है। तो सरकार के इस झूठ की पोल वो लोग ना खोल दें, इसीलिए उन्हें बंधक बना के रखा है। और आप ये तो छोड़िए कि वहां पे उन्हें बांध के रखा है, बाहर से भी कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो वहां पे उसे एंट्री अलाउड नहीं है। मेरी कई लोगों से वहां पे जो बंधक बने पड़े हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमें बहुत लोगों ने संपर्क किया, माना चाहते हैं, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें एंट्री नहीं दे रही है। तो आवाज भी उठाने की इंडिपेंडेंस इस समय जम्मू कश्मीर में उन लोगों के पास नहीं है जो इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट एक्टिविटीज के विक्टिम्स हैं। आवाज उठाना चाहते हैं, सरकार उनकी आवाज को कुचलने का, दबाने का काम यहाँ पे। अंकुर जी, कटरा में हुए जो हादसे में जो शुरुआती जांच, जो एनआईए ने शुरुआती जांच की है, उसने कहा कि हो सकता है कि आतंकवादी घटना हो, अगर ये आतंकवादी घटना साबित होता है तो हिंदू यात्रियों पर कितना बड़ा आप इसे हमला मानते हैं? नहीं, देखिए, इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है कि हिंदू अपने तीर्थ स्थान को जाते हैं और वहां पे आप उनकी बसों पे हमले होते हैं। एंड यू हैव टू सी इट इन द बैकग्राउंड ऑफ टारगेटेड अटैक्स जो ऑलरेडी हो रहे हैं यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पे, और फिर आपको उससे जोड़ना है कि इन अटैक्स को किस तरीके से भारत का सरकारी तंत्र डिफाइन करता है। वो कहते हैं ये तो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को डिरेल करने के लिए हो रहा है। हिंदुओं के जो तीर्थ स्थानों पर जाने वाले यात्री हैं उनकी बसों पर हमले हो रहे हैं, ये कहते हुए कि तुम अपने तीर्थ स्थानों पर नहीं जाओगे, ये भारत सरकार उस पर कवर अप, उस पर पर्दा डालने का काम करती है और कहती है नहीं, ये जिहाद नहीं है, ये इस्लामी आतंकियों द्वारा हमला नहीं है,
ये तो ये कुछ शरारती तत्व हैं जो डेवलपमेंटल प्रोसेस को डिरेल करने के लिए कर रहे हैं। इससे बड़ा धोखा भारत सरकार ना देश के साथ कर सकती है, ना जम्मू संभाग के लोगों के साथ कर सकती है, ना उन तीर्थ यात्रियों के साथ कर सकती है जो वहां पे गए थे। इन्हीं तरीके के कवरअप्स के कारण इन समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता। सरकार स्वयं शील्ड प्रोवाइड करती है और ये जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे नीचे पनपता जाता है, चलता जाता है और इस तरीके की हरकतें करता रहता है। क्या कारण है? मैं तो सीधा कह रहा हूं कि सरकार कवरअप कर रही है, सरकार छुपा रही है, सरकार नहीं जानती है कि किस तरीके का हमला था, सरकार नहीं जानती है कि कौन से बॉर्डर से वो लोग आए थे। यूके प्रोफेसर ने भी एक, उन्होंने भी कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि ये जो क्योंकि एनआईए ने कहा है कि उसके अंश मिले हैं जो आईईडी बम गिरे, दैट इज हाउ। देखिए, जब आप शुरू में डिनायल मोड में रहेंगे, जब आपका उद्देश्य है कि कवर अप करना है, जब आपसे यूटी संभल नहीं रही है, वहां पे राहुल भट्ट की हत्या हो रही है, यहाँ पे सिदड़ा में मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, सुंजवा में टेरर अटैक हो रहा है, आपके सिदड़ा और कुंजवानी क्षेत्र में आईडीज डिस्कवर हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, आप पंगू बन के बैठे हैं, तो छुपाने का काम करेंगे। यही छुपाने का काम इस समय यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में कर रही है, जिसके कारण अब एक बफर टाइम ले रही है। आज नहीं बताएंगे, 15 दिन में बताएंगे, जब लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। आज अभी राहुल भट्ट की हत्या हुई है, इस बमबारी की हत्या के हमले के बारे में 20 दिन के बाद बताएंगे, 25 दिन के बाद बताएंगे, तब तक एक टाइम वो करेंगे। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन में हमें यहाँ की सरकार डाल रही है, जो देश की और हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। जी, आप इस बात को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से राहुल भट्ट की निर्मम हत्या हुई और वहां पर लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद माफी जो है बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा मांगी गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जम्मू के यूथ के बारे में, चाहे वो बीएसएफ सीआईएसएफ के स्टूडेंट्स हो, उन पे भी लाठीचार्ज होता है, उन्हें जेलों में बंद किया जाता है, और किस तरह से आप पूरे देखिए, घड़ियाली आंसू है और मैंने बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन इस पे देखी, मांगी जाती है नहीं माफी, वो सब प्रपंच है, फ्रॉड है। देखिए, मैं आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा तो मैं इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं किया था, लेकिन अभी इसे एड्रेस करना चाहूँगा। भाजपा की आधिकारिक पोजीशन है कि ये हत्याएं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए की जा रही हैं, कश्मीरी, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस को डिरेल करने के लिए की जा रही है, रिपीट कर रहे हैं बार बार, पाकिस्तानी आतंकियों ने किया। उस इकोसिस्टम का क्या, जो इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है ऐसे टेररिस्ट एक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, जमात के अहले हदीस के वहाबियों के तबलीगियों के दियोबंदियों के उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, जो एक मशीनरी का कन्वेयर बेल्ट का काम करते हैं इस तरीके की एग्जीक्यूशन को कैरी आउट करने के लिए। राहुल भट्ट जी के परिवार ने भी बड़े सवाल उठाए, क्यों बुलाया गया, दफ्तर में इतने सारे लोग थे, आइडेंटिफिकेशन किसने करवाई, बचाने क्यों कोई नहीं आया। एक समस्या को ट्रिवलाइज करना और एक पड़ोसी मुल्क पे छोड़ देना, और जिहाद जो ऑनगोइंग जिहाद जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जहां पे कश्मीर की सोसाइटी तकरीबन रेडिकलाइज्ड, इंडोक्ट्रिनेटेड और पैरामिलिट्री सोसाइटी बन गई है, उस परिपेक्ष में कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं के बाद उनके जख्मों पे नमक रगड़ने का काम करना, ये कह के कि कश्मीरी मुसलमान के बारे में कुछ मत बोलो, ये पाकिस्तानी आतंकी थे जिन्होंने किया, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दोगला चरित्र और कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज और, ये वही लाइन है जो कांग्रेस की लाइन थी कश्मीरी हिंदुओं की या जम्मू में जो हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं उन पे। आज भाजपा की लाइन कांग्रेस की लाइन से बिल्कुल भी अलग नहीं है, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है इन इश्यूज को लेके वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। और अगर सरकार की बात कर लें तो 70 साल से चल रही नेहरूवियन पॉलिसी ऑन जेएंडके, जिस पॉलिसी में कश्मीरी सेपरेटिस्ट लोगों के हार्ट्स एंड माइंड जीतने के लिए सब कुछ उन्हें देना है, सत्ता उन्हें देनी है, कंट्रोल उन्हें देना है, उनके कुकृत्यों पे पर्दा डालना है, वो पॉलिसी अब भी भारत सरकार अडॉप्ट कर रही है, चला रही है, जिसके कारण हम लोग पिस रहे हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। आज कांग्रेस अगर मुस्लिम लीग बन गई है तो भाजपा कांग्रेस बन गई है। आज भाजपा की पोजिशन इन किलिंग्स पे, जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वही है जो कांग्रेस की थी और तकरीबन अभी भी है। अंकुर जी, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ बंटोल प्लाजा का। अब वो वीडियो जहाँ पर पशु तस्करी जो है वो करते हुए लोग नजर आते हैं और लाठियां लेके वहाँ पर निकलते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, उन पर भी हमला होता है शरियाम। जहाँ तक गौ हत्या का मामला है, बोवाइन स्मगलिंग का मामला है, हिंदुओं के धर्म से खिलवाड़ करने की बात है, मैं आपको बता दूं ये डेलिबरेट है। ये यहाँ की सरकार ने जानबूझ के 370 और 35 के खात्मे के बाद काउ स्लॉटर और बवाइन स्मगलिंग को हैंडल करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर की डिवीजन बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ जेएंडके हाई कोर्ट, उन्होंने एक पीआईएल जब फाइल हुई थी तो इस पर आदेश भी दिया था कि चीफ सेक्रेटरी कंसिडर करें गौ हत्या पे कानून बनाने के लिए। आज तक वो नहीं हुआ है। हम भी इन सब चीज़ों से जूझते रहते हैं, हम जानते हैं,
वेल ऑयल्ड मशीनरी है विद इन द स्टेट अपरेटस इंक्लूडिंग द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बवाइन स्मगलिंग को और काउ स्लॉटर हो और यहां से ट्रांसपोर्ट हो बवाइन गाय, उसे एग्जीक्यूट करने का काम करती है। करप्शन एक एंगल है, लेकिन उसके अलावा एक बड़े कुछ एंगल्स हैं। नाराज नहीं करना चाहते कश्मीर में, क्योंकि उनके दिल और दिमाग जीतना चाहते हैं। उनके लिए भोजन का प्रबंध करना भारत सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का परम कर्तव्य है। कानून बना देंगे गौ हत्या पे, तो फिर कश्मीरी मुसलमान खाएगा क्या? और अगर वो आवाज उठाएगा तो फिर इसे ये जवाब क्या देंगे? 57 सीट्स लेनी है ना भाजपा ने, क्यों बनाएंगे कानून? और आप जानते हैं कि 370 और 35 से पहले कमजोर कानून था, लेकिन कानून था। आज की डेट में जम्मू कश्मीर में गौ हत्या पे कोई कानून नहीं है डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स, और कितना समय हो गया है। इस तरीके से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारी सुरक्षा, हमारी एग्जिस्टेंस के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और आप तमाम चीजों पे इनका स्टैंड देख लीजिए, लैंड जिहाद पे देख लीजिए, सारा प्रोसेस रुकवा के रख दिया और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी और इम्प्लीमेंटेशन रोक दी। अब सब मजे में है। जिसका जम्मू स्टेटहुड का आप और कई रीजनल पार्टीज के जो नेता हैं, उनका सवाल ये रहता है कि जम्मू स्टेटहुड हमें चाहिए, लेकिन जो नेशनल पार्टीज है, जो जम्मू के जो नेता हैं, जो वो नेशनल पार्टीज के अधीन आ जाते हैं, क्या संभव है कि वो नेता दिल्ली के सेंटर के हाथ में आकर जम्मू के स्टेटहुड की बात वो कर पाएंगे और कभी वो दिला पाएंगे उनको? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दिल्ली के लिए तो जम्मू कश्मीर मात्र एक छोटी सी यूटी है, छोटी सी स्टेट है। और वहाँ पे जो 2014 के बाद, 2014-15 के बाद भी जो नीति दिल्ली की नहीं बदली है, तो गिवन परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि कोई भी नेशनल पार्टी और उसके लीडर्स जो यहाँ पे भी हों, लोकल लीडर्स, ये डिमांड रख ही नहीं सकते कि कश्मीर को जम्मू से अलग किया जाए। क्योंकि इन सब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, इनकी सोच ही यही है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता सौंप के ही चलाना है, क्योंकि वही इंडियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की दुनिया में बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। हमें तो इनके दिल जीतने हैं, हमें तो उनका विश्वास जीतना है। उसके लिए जम्मू की, देशवासियों की बलि देनी पड़े, बलि देंगे। और यही कुकृत्य इनके आपके सामने नजर आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य ये होता है कि इन लोगों के खिलाफ पूरा समाज खड़े होकर सवाल क्यों नहीं उठाता है, जब सामने ये चीजें इनके हो रही है। आम आदमी पार्टी पर आप क्या देखते हैं? जो अभी कांग्रेस पार्टी थी वो पूरी तरह से डिसॉल्व था, हर्षदेव जो चेयरमैन थे वो भी वहां चले गए, मतलब जो जम्मू के लिए बात करती थी कांग्रेस पार्टी, आज वो कहीं नहीं दिख रहे। किस तरह से आप आम आदमी पार्टी के जो नेता लगातार यकायक जा रहे हैं, देखिए, कांग्रेस हो, पैंथर्स हो, आम आदमी पार्टी हो, आइडियोलॉजिकल फ्रेम में ये एक ही श्रेणी के एंटिटीज थी, तो उनका जाना इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस फॉर जम्मू, क्योंकि जम्मू संभाग के लोगों की जरूरतें और जम्मू संभाग के लोगों के सामने जो चैलेंजेस हैं उसका सोल्यूशन कुछ और है। और वो सोल्यूशन वट एवर जो भी उनकी सबवर्सिव पॉलिटिक्स है वो दैट अपार्ट, बट मैं जम्मू संभाग की जो एग्जिस्टेंशियल और इमीडिएट नीड्स हैं कि हमारे सर्वाइवल पे सवालिया चिन्ह उठ गया है, हमारी जमीनों पे कब्जे हो गए, यहाँ एक जेनोसाइडल जिहादी प्रोसेस अनलीश किया गया है जिसे इंडियन स्टेट अपरेटस ही फैसिलिटेट कर रहा है थ्रू इन एक्शन। तो उसके लिए रीजनल पार्टी, ऐसी रीजनल पार्टी जो जम्मू को अलग स्टेट बनाए, बनाने की मांग भी इन्हीं कारणों को आधार बना के रखी, उसकी रिक्वायरमेंट है। और एकजुट जम्मू पार्टी के अलावा और दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो इन कारणों से जम्मू को अलग सेपरेट स्टेट बनाया जाए ये कहती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जम्मू संभाग की सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज को लेके लड़ाई लड़ने के बाद ही जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन सुनिश्चित हो पाएगी। इसीलिए आपके माध्यम से पूरी जम्मू संभाग के की जनता से हम सहयोग भी मांगते हैं कि इस लड़ाई में हमें मजबूत करिए, ताकि बड़े पैमाने पे इस लड़ाई को आप लोगों के लिए लड़ा जा सके। देखिए, जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी मैं ये कह रहा हूँ कि चोरी से, चुपके से एक SO, एक SRO पास किया गया है, जहाँ पे लाउड स्पीकर पे वो वॉइस लिमिटर्स होते हैं। वो वॉइस लिमिटर्स जब आप लगा देते हैं तो अलाउड डेसिबल लेवल्स के बियॉन्ड आवाज नहीं उस स्पीकर की जा पाती। वो ऑर्डर पास हुआ है, लेकिन उसका क्रियान्वयन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। सिद्रा में जिस तरह से आपके पास ये मामला है, कोर्ट पे आप कर रहे हैं, अभी आपने बैन कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैन कर दिया, ये वो जमीन है 8979 कनाल के करीब जहाँ पर सैटेलाइट टाउनशिप बनी, लेकिन वो जो लोग जो कोर्ट पहुंचे हैं उनकी पुश्तैनी जमीनें JDA ने उनसे एक्वायर करी, हालांकि उन्हें मुआवजा दिया गया, लेकिन आज वो जमीनें जो है हमारे पास दस्तावेज है जिसमें वो कश्मीर के मुसलमानों को बेच दी गई है और समुदाय विशेष को वो बेची गई है। आज वहाँ पर एक तरह से पूरी तरीके से जो है मकान बन गए हैं, इमारतें खड़ी कर दी गई हैं और जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सबको इस तरह से जोड़ के देखेंगे।
तो देखिए ये इन्हीं चीजों को दम उठा रहे हैं, डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद की तो एक आर्म है ये, और इसे ध्वस्त करवाएंगे, तोड़वाएंगे, इसके खिलाफ जंग छेड़ी है, इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। और आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और आपका आपने जो तथ्य भी दिए एक्सेप्ट फॉर वन, वो 19,154 टोटल कनाल, 19,154 कनाल टोटल लैंड अक्वायर की गई थी, जिसमें प्राइवेट लैंड प्लस फॉरेस्ट प्लस स्टेट लैंड भी थी, तो टोटल 19,154 कनाल, उस पर कश्मीरी मुसलमानों ने गैर कानूनी ढंग से कब्जे किए हैं, वहाँ पे एक माफिया काम कर रहा है जो सिलेक्टिवली, और आपने न्यूज़पेपर में एड्स भी देखी होंगी, कॉलोनी फॉर मुस्लिम ओनली, तो उसी के चलते ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई निरंतर है, इसके खिलाफ हम अपने लड़ाई को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे जम्मू संभाग, पूरे देश के लोगों का इस जंग में हमें सहयोग मिलेगा।